यूपी के कौशाम्बी में पीपरी पुलिस ने कोरोना काल में एक हिस्ट्री शीटर को सुबह लगभग 7:45 पर मुठभेड़ में गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस को आता देख बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाश के दाहिने पैर में गोली मार दी, जिससे कि वो भागने में नाकामयाब हो गया था। उसके कब्जे से एक चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस मिला। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाश के खिलाफ कई थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। 5 दिन पहले बदमाश ने इलाके के एक ग्राहक सेवा केंद्र से एक रोजेदार का अपहरण कर मारपीट की थी। पीपरी थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया है कि बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी थी। थाना पिपरी का एक सीटर है दीपक पासी, और वो काफ़ी दिनों से लोगों को परेशान कर रहा था, और इधर आज जब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किया तो थाना पिपरी के पुलिस के ऊपर उसने हमला किया, जिसमें एनकाउंटर में वो गिरफ्तार हुआ है और उसके पास से एक चोरी का मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा आदि बरामद हुआ है। यह अभी कुछ दिन पहले इस व्यक्ति ने एक आदमी की वहाँ पिटाई कर दिया था, और जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, तो इसकी पुलिस बहुत गंभीरता से तलाश कर रही थी, जिसको आज एनकाउंटर में यह पकड़ा गया।